Hey guys, very very good morning everyone. Good morning guys. Very very good morning. Welcome to this super awesome channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession, and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, आज लेकर आया हूँ last lecture of our topic, admission of a partner. Very very good morning to everyone. Khushi, Bhumi, Samara. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, स्वरूप, गुड मॉर्निंग राजेश, महक, हर्ष, गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग सिमरनजीत, अनन्या, पुनीत, ऐशबाज सर, ऐशाज शर्मा, ओहो, नित्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, युक्ता, गुड मॉर्निंग, एकनाथ, गुड मॉर्निंग टेलर, गुड मॉर्निंग भास्कर, गुड मॉर्निंग शशांक, गुड मॉर्निंग अदित, गुड मॉर्निंग. Good morning, guys. Okay, so let's begin. So, दोस्तों अभी हमारा चल रहा है partnership series, जहाँ पर admission of partner आज खत्म हो जाएगा. फिर next week पूरा Monday to Saturday retirement of partner चलेगा, और फिर दिवाली के बाद में death of a partner हमारा हो जाएगा. तो मैं expect कर रहा हूँ around 2 या 3 नवंबर तक हम पूरा partnership complete कर देंगे दोस्तों. Around 2 या 3 नवंबर, बीच में दिवाली के भी holidays होंगे, ठीक है. सो नॉट टू वरी गाइस, आराम से हो जाएगा. आज एडमिशन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक पूरा रिटायरमेंट चलेगा, एंड देन एक ही चीज बच जाती है, डेट ऑफ अ पार्टनर, वो लोग हम लोग कर लेंगे. एंड गाइस, गुड न्यूज कमिंग सून, आई एम कमिंग विद मिडनाइट रिवीजन सीरीज फ्रॉम 27th of October, रात 10 से लेकर 12 बजे तक, ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस. दिस टाइम मिडनाइट रिवीजन सीरीज विल बी ऑन प्लस, नॉट ऑन यूट्यूब, नॉट ऑन स्पेशल. ओके, सो गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरटीपी एमटीपी बैच 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है दोस्तों, जहां हफ्ते में 4 दिन हम लोग ये बैच कंडक्ट करने वाले हैं, एंड 3 दिन रिमेनिंग विल बी अलॉटेड टू यू फॉर योर सेल्फ स्टडीज. माय शेड्यूल इन दिस पर्टिकुलर बैच इज 3:30 to 5:30 ऑन वेनसडे एंड थर्सडे. यस, 20% ऑफ था कल तक के लिए. आई होप सभी लोगों ने बेनिफिट लिया होगा. अभी भी अगर नहीं लिया होगा बेनिफिट, तो गाइस 20% ऑफ तो चला गया है, बट येस वी आर एक्सपेक्टिंग सून अगेन 20% ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली. अगर नहीं आता है तो यू कैन सब्सक्राइब नाउ ऑल्सो, क्योंकि 2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज नॉट सो मच कॉस्टली नाउ. ओके, यू कैन ऑल्सो गो फॉर आवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसके फीचर्स है पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, वैलिड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल, ठीक है. यस, ओके, सो सीए फाउंडेशन टेस्ट सीरीज का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, उसके प्राइजेस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं दोस्तों. बट आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स टू गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. रीजन इज यू गेट सब फाउंडेशन के 4, इंटर के 8, ऐसे कुल मिलाकर 12 सब्जेक्ट्स आप स्टडी करते हो फॉर अराउंड 2 ईयर्स एट जस्ट अराउंड 40,000 रुपीज. दिस इज द बेस्ट एंड द कॉस्ट बेनिफिशियल सब्सक्रिप्शन एवर इन एंटायर इंडिया. यस, माय कोड इट्स DKJ10. दिस इज अवर ऑसम रिजल्ट ऑफ June 22. बार बार इसलिए दिखाता हूं आपको ताकि आप मोटिवेट हो जाए. एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन अकाउंट्स. आई वांट योर नेम इन दिस लिस्ट इन द नेक्स्ट एग्जाम, ताकि आपका नाम भी मई वाले स्टूडेंट्स को मैं रोज दिखाऊं कि ये थे हमारे सितारे जिन्होंने स्कोर किया है मोर देन 90 मार्क्स इन अकाउंट्स. फ्रेंड्स, एक चीज बता देना चाहता हूँ, दिस इज द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. CA Foundation is one of the difficult examination, and scoring anything above 70 or 80 marks is a big, big task. And these students have scored 90 plus marks, which itself is a big task. And I want your name in this list in the next exam, ताकि मैं रोज मई वाले students को आपका नाम दिखा सकूं. ये वो स्टूडेंट था जिसने 90 प्लस स्कोर किया है. यस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब बोथ दीज यूट्यूब चैनल्स, डू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल. मोर देन 27,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड एंड हैव बीन रिसीविंग लिंक नोट्स एंड अपडेट्स. डू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप. माय आईडी CA_Darshan_Jain, सेम इज द आईडी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम गाइस. ओके, लेट्स बिगिन. आई होप एवरीवन हैज डन द होमवर्क. होमवर्क का क्या सीन है भाई? संगीनी झूठ नहीं बोलती है. शुभम कुछ भी बोलता क्या रे? संगीनी सिर्फ सैटरडे के दिन झूठ बोलती है. संगीनी पे आरोप मत करो कोई.
कौन कौन सा होमवर्क था जरा बताइएगा प्लीज। 18 और 21, 18th and 21। 18 तो मैंने यार थोड़ा बहुत करवा ही दिया था यहाँ पे, है ना, 18 तो मैंने करवा ही दिया था। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेंगे। यस, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ दोस्तों, चेक योर आंसर्स एवरीवन। भास्कर, क्या बात है यार, भास्कर बढ़िया, करेक्ट भास्कर, करेक्ट। गुड गाइस, चेक कर लो आंसर। परफेक्ट। और कौन सा था, 19th पहले हो गया था, 20th भी दिया था ना मैंने। क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ, आंसर पोस्ट करो 20 का। क्वेश्चन नंबर 10, 20, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 1,40,000। भूमि, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अल्फा बीटा 70-70, बैलेंस कैरी डाउन अल्फा 4,90,000, 4,40,000, गामा 2 लाख। ठीक है, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट भी बोला था बेटा। भूमि, बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं डाला आपने, बैंक अकाउंट में भी बैलेंस आएगा 2,94,200, और बैलेंस शीट टैलीज एट 15,30,000। ग्रेट गोइंग भूमि, कीप इट अप बेटा, ग्रेट, सुपर, फैंटास्टिक। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालेंगे तो केवल बीटा ने सैक्रिफाइस किया है, अल्फा ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। ठीक है क्या एवरीवन, किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? आई होप एवरी वन गॉट दिस। कोई भी डाउट हो किसी को तो प्लीज पूछिएगा। चलो दैट्स ग्रेट, लेट्स मूव। और कौन सा था, 21th भी था, 21 भी था, 21 भी था, 21 भी था। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे। यस, 21 भी था, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, चेक, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 12,000, कैपिटल का बैलेंस है 22, 17, 12 एंड 7,000। वेरी गुड भूमि, क्या बात है यार, भूमि के सारे आंसर्स करेक्ट है आज। यस, और बैलेंस शीट 67,000। प्लीज चेक एवरीवन, किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? चलो बहुत बढ़िया। नाउ लास्ट टू क्वेश्चंस रिमेनिंग ऑफ दिस टॉपिक, दोनों भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे एंड वी विल एंड दिस टॉपिक टुडे। चलो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। शल आई, शल आई गाइस, शल आई प्रोसीड अहेड, बता दो भाई आगे बढ़ू क्या। चलो ग्रेट, लेट्स मूव, लेट्स मूव, कम टू क्वेश्चन नंबर 22 एवरीवन। गोपाल एंड गोविंद,
आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 60:40 दैट इज 3:2। द फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट गोपाल गोविंद, लॉन्ग टर्म लोन करंट लाइबिलिटीज, फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स लोन्स एंड एडवांसेस। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट गुरु एज अ पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम 1/4/2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुरु विल बी पेड 40% ऑफ द प्रॉफिट्स। ओके, गुरु विल ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज कैपिटल। It is agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profits of the firm and Guru will bring in cash his share of goodwill. Goodwill का पहले value निकालना है firm के goodwill का, फिर उसमें Guru का share आएगा और वो Guru का share जो बनेगा goodwill का वो Guru cash में लेकर आ रहा है। Entry cash account debit to sacrificing partners in sacrificing ratio. It was also decided that the partners will not withdraw their share of goodwill. Nor will the goodwill appear in the books of the accounts. Okay, fine. मतलब ये एक एंट्री होगी और कोई एंट्री नहीं होगी। The profits for the 3 years were as follows: 2018 20,000 includes insurance claim received 40,000. Insurance claim मिला के 20,000 का profit आया है। For the year ended 31 March 2019 loss includes voluntary retirement compensation paid 1,10,000 जो कि less नहीं होना चाहिए था। And for the year ended 31 March 2020 profit of 1,05,000 includes a profit of 25,000 on sale of assets। जब भी हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जब भी आप कोई प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो ना उसमें एबनॉर्मल लॉस आना चाहिए ना एबनॉर्मल गेन आना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 साल के प्रॉफिट हमें दिए गए हैं, ये 3 साल के प्रॉफिट को हम लोग पहले करेक्ट करेंगे फिर गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। वो फर्म का गुडविल होगा, उसमें गुरु का शेयर कितना होगा वो देखेंगे, फिर वो कैश में मंगा लेंगे और फिर वो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Next, it was decided to revalue the assets as follows: investment 4 lakhs, investment fixed assets 4 lakh, investment nil, current assets 1,80,000, loans and advances 1 lakh. The new profit sharing ratio was 7:5:8. 5 journal entries on admission, show goodwill calculation and prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet as on 1/4/2020. After the admission of Guru, बड़ा लंबा चौड़ा काम दे दिया इन्होंने तो। जर्नल एंट्रीज भी करनी है, गुडविल का कैलकुलेशन भी बताना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बताना है एंड आफ्टर ऑल बैलेंस शीट भी दिखानी होगी। ओ हो 10 मार्क के लिए तो कम से कम 10 मार्क के लिए आएगा, 15 के भी लिए आ सकता है। बनाएंगे 1 पेज का जर्नल का फॉर्मेट एवरीवन, 1 पेज जर्नल का फॉर्मेट। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट 8 लाइंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 8 लाइंस, बैलेंस शीट 8 लाइंस, असर्टनमेंट ऑफ फर्म्स गुडविल मेन पार्ट में आएगा, असर्टनमेंट ऑफ फर्म्स गुडविल एंड असर्टनमेंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, असर्टनमेंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क के लिए अगर आता है तो जर्नल एंट्रीज नहीं पूछेंगे, केवल लेजर पोस्टिंग ही पूछेंगे आपको। और अगर 15 मार्क के लिए इन्हें पूछना है तो जर्नल एंट्री भी पूछेंगे, लेजर पोस्टिंग भी पूछेंगे, ठीक है क्या? आई होप एवरीवन इज रेडी, थम्स अप दीजिएगा इफ द फॉर्मेट इज रेडी। फॉर्मेट डन, चलो बढ़िया, चलो कॉन्सेंट्रेट।
Gopal and Govind are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The firm's balance sheet as of 31st March 2020 was as follows. Capital account, Gopal Govind. लिख देंगे दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन गोपाल के कॉलम में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन गोपाल के कॉलम में 1,20,000 और गोविंद के कॉलम में 80,000. जल्दी जल्दी करो सभी लोग. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख रुपीज. लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख रुपीज. कोई एडजस्टमेंट है क्या? कोई एडजस्टमेंट नहीं है. वैसे की वैसे ही लिख देंगे उसको बैलेंस शीट में. लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख रुपीज. लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख रुपीज. उसके बाद करंट करंट लाइबिलिटीज 2,50,000. कोई एडजस्टमेंट? कोई एडजस्टमेंट? करंट लाइबिलिटीज 2,50,000. कोई एडजस्टमेंट? नो एडजस्टमेंट. वैसे की वैसे बैलेंस शीट में लिख देंगे करंट लाइबिलिटीज 2,50,000. फिक्स असेट्स 3 लाख रुपीज. कोई एडजस्टमेंट? यस. क्या एडजस्टमेंट है? फिक्स असेट्स को 4 लाख करना है. जर्नल एंट्री भी देनी होगी. एंट्री फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. जर्नल एंट्रीज पहली एंट्री गाइस रिवैल्यूएशन नहीं. फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख. बीइंग फिक्स असेट्स रिवैल्यूड ऑन एडमिशन. बीइंग फिक्स असेट्स रिवैल्यूड ऑन एडमिशन. इसका इफेक्ट हमें लेजर में भी देना होगा बैलेंस शीट में भी देना होगा. सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय फिक्स असेट्स 1 लाख रुपीज. एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में. बैलेंस शीट के असेट साइड में 4 लाख रुपीज. बैलेंस शीट के असेट साइड में 4 लाख रुपीज. आई होप द एंटायर एडजस्टमेंट इज क्लियर. चलो उसके बाद इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? 50,000 थे. कितना रीवैल्यू करना है? नील जीरो कर देना है. नुकसान हो गया 50,000 रुपए का. एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000. 50,000. ठीक है. बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड ऑन एडमिशन. ठीक है. क्या करेंगे इसका इफेक्ट? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा. बाकी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से हट जाएगा. तो केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट 50,000. टू इन्वेस्टमेंट 50,000. चलो ग्रेट. उसके बाद करंट असेट्स 2 लाख रुपीज. करंट असेट्स 2 लाख रुपीज. क्या करेंगे? 1,80,000. 20,000 से करंट असेट का वैल्यू कम हो गया. एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट्स 20,000. बीइंग करंट असेट्स रिवैल्यूड ऑन एडमिशन. बीइंग करंट असेट्स रिवैल्यूड ऑन एडमिशन. नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 करंट असेट्स 20,000 एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में सेकंड इफेक्ट जाएगा दोस्तों. इसका बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा इसका सेकंड इफेक्ट. करंट असेट्स 1,80,000. आई होप एवरीवन गॉट दीज. किसी को कोई शक?
नेक्स्ट, नाउ लास्ट आइटम ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड, लास्ट आइटम ऑन बैलेंस शीट असेट साइड, लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख, क्या एडजस्टमेंट है? 1 लाख ही होगा, नो एनी चेंज, वैसे की वैसे लिख देंगे लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख रुपीज, लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख रुपीज। किसी को कोई शक? सर इस बार मिडनाइट रिवीजन प्लस में क्यों हो रहा है? यूट्यूब पे नहीं ले सकेंगे और स्पेशल पे देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ 1 आवर ओनली, नहीं हो पाएगा प्लस स्पेशल पे, इसलिए प्लस पर ले रहे हैं। इट्स गेट डिफिकल्ट, यूट्यूब पे नहीं होगा प्रॉपरली। चलो नेक्स्ट, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट गुरु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1/4/2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, गुरु विल बी पेड 40% ऑफ द प्रॉफिट्स, गुरु विल ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज कैपिटल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री नंबर 4, जर्नल एंट्री नंबर 4, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू गुरुज कैपिटल 1 लाख, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय गुरु, गुरु के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा, कैश बैलेंस में, लेकिन वो हम लोग आखिरी में करेंगे। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद इट इज एग्रीड दैट द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 इयर्स, परचेज ऑफ 3 इयर्स, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, पहले साल का लॉस कितना हो जाएगा? पहले साल का लॉस हो जाएगा 20,000, क्योंकि 20,000 का प्रॉफिट है 40,000 के इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद, तो 20,000 का लॉस हो जाएगा क्योंकि ये हमें अवॉइड करना होगा, दिस इज एबनॉर्मल आइटम। नाउ लॉस है 1,10,000, लॉस है 1,10,000 आफ्टर वॉलंटरी कंपनसेशन पेड। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि ये इसमें ऐड करना पड़ेगा, ये अगर इसमें ऐड करेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 रुपया। एंड गाइस 1,05,000 प्रॉफिट आया है आफ्टर इंक्लूडिंग 25,000 ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा दोस्तों लेस कर देंगे 80,000। सी द कैलकुलेशन एवरीवन, असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पहले साल का लॉस आ जाएगा 20,000, दूसरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा 80,000, तो वो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3, 30,000 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट 30,000। नाउ कितने इयर्स परचेज है, कितने इयर्स परचेज है? 3 इयर्स, 2 इयर्स परचेज, तो दोस्तों वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल 60,000 रुपीज,
और गुरु का शेयर कितना होगा? गुरु को कितना शेयर दे रहे हम लोग? वी आर गिविंग गुरु 40% का शेयर, 40% शेयर दे रहे हैं। सो 60,000 इंटू 40%, 24,000 रुपीज गुरु से मंगाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोस्तों सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाले ही नहीं हम लोगों ने, निकाल लेंगे। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3/5, 2/5। व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो इज 7/20, 5/20। 7/20 माइनस 5/20। तो दोस्तों कॉमन डिवाइजर रखने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो गया 12 माइनस 7 5/20, एंड ये हो जाएगा 8 माइनस 3 3/20। माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम्स टू 5:3। माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम्स 5:3। ठीक है ना? सो गाइस एंट्री विल बी, एंट्री चेक कर लीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू गोपाल्स कैपिटल। 24,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5 15,000 टू गोविंद्स कैपिटल 9,000 बीइंग गुरुस शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय हिम एंड क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आया क्या सभी को? लेजर पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, गोपाल के कॉलम में 15,000, गोविंद के कॉलम में 9,000। चलो नेक्स्ट, यहां तक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। इंटायर क्वेश्चन कंप्लीटेड गाइज, इंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना प्रॉफिट आ रहा है? क्रेडिट साइड में 1 लाख, डेबिट साइड में 1 लाख, 1 लाख माइनस 70,000, 30,000 का प्रॉफिट। लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, किस रेशियो में बटेगा? 3:2, ओल्ड रेशियो इज 3:2। तो दोस्तों 30,000 डिवाइडेड बाय 5 × 3, गोपाल 18,000, गोविंद 12,000, आउटर कॉलम 30,000। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट गोपाल 18,000, गोविंद 12,000। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो गौरव। नाउ जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू गोपाल्स कैपिटल 18,000 टू गोविंद्स कैपिटल 12,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, फुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, चलो इंटायर क्वेश्चन डन। अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी निकाल लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। तीनों में भी क्रेडिट साइड बड़ा है, तीनों में भी क्रेडिट साइड बड़ा है दोस्तों। ठीक है, क्या आ रहा टोटल? 1 लाख, 1,01,000, 1,53,000 कर देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, गोपाल के कॉलम में 1,53,000,
गोविंद के कॉलम में 1,01,000 एंड गुरु के कॉलम में 1 लाख। लिख देंगे गाइस इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल। गोपाल 1,53,000, गोविंद 1,01,000, गुरु 1 लाख, आउटर कॉलम 3,54,000, गुरु 3,54,000। नाउ कैश में कैश का बैलेंस निकालना बाकी है। कितने आए थे कैश में? 1 लाख का कैपिटल आया था और 24,000 का गुडविल, तो 1,24,000 ये मेरे कैश का बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश बैलेंस 1,24,000, 1,24,000। ठीक है, चेक, बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? 3,54,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000, 8,04,000। और इधर भी दोस्तों 4 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,24,000, 8,04,000। चलो सुपर्ब गाइस, आई होप एवरीवन गॉट दिस। किसी को कोई शक इस क्वेश्चन में? किसी को कोई शक इस क्वेश्चन में? चालीस की टोपी डीजे सर ओपी, तेरे डीजे सर इतने सस्ते नहीं है ए येड़े, सिर्फ 40 की टोपी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, कम टू क्वेश्चन नंबर 17 एवरीवन, कम टू क्वेश्चन नंबर 17। सर एडजस्टमेंट में लिखा है गुडविल विल नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा कहीं पर भी। ऑडी ओनर हो आप, जिसने कहा ना मेरे पास ऑडी है उस आदमी पे केस करने वाला हूं मैं। हेलो सर, डीजे सर, मुझे पहचाना आपने? अथर्व, थोड़ी याद दिलाना यार, पहचान तो लिया है मैंने बट रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट, सो कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक गाइस। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, दैट इज 3:1 respectively, their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. ठीक है, cash account 1,000, trade receivables 25,000, inventory 22,000, plant and machinery 4,000, trade payables 12,000, bank overdraft 15,000, A is capital 15,000, B is capital 10,000. ये balance sheet के item है, ठीक? On 1st April 2020, they admitted C into the partnership on the following terms. C is to purchase 1/3 of goodwill for 2000. अच्छा, 2000 में 1/3 goodwill लेगा वो, यानी पूरे फर्म के goodwill की वैल्यू कितनी हो गई? 6,000। And provide 10,000 as capital goodwill not to appear in the books. ठीक है? Further profits and losses are to be shared by ABC equally. ठीक है? Plant and machinery is to be reduced by 10% and 500 is to be provided for estimated bad debts. Inventory is to be taken at a valuation of 24,940. By bringing in or withdrawing cash, capital of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis. This is the important point. Set out the entries of the above arrangement in the firm's journal and give partners' capital account in the tabular form. सर मिडनाइट रिवीजन सीरीज 27 अक्टूबर ऑन प्लस, मिडनाइट रिवीजन सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 30 नवंबर, बीच में 8 दिन का गैप होगा। 15th से लेकर 24th नवंबर उसमें कोई क्लास नहीं होंगे, और ऐसे वो 27 अक्टूबर से 30th नवंबर पर चले तक चलेगा, प्लस पर रात 10 से 12।
आई होप यू गॉट दिस। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आ जाएंगे सभी लोग, बनाएंगे एक पेज का फॉर्मेट, एक पेज का फॉर्मेट बनाएंगे सभी लोग, एक पेज का फॉर्मेट जर्नल का, और लेजर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। बैलेंस शीट तो दी नहीं है, बैलेंस शीट भी बना लेंगे हम लोग। ठीक है, और वर्किंग नोट, असर्टेनमेंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4 लाइन, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 6 लाइन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 6 लाइन। ठीक है, बैलेंस शीट बोला नहीं है, हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोला नहीं है, डायरेक्ट कैसे प्रॉफिट निकालते हैं इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा, बगैर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हुए कैसे प्रॉफिट या लॉस हम रिवैल्यूएशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलो 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर स्टार्ट करता हूँ। फॉर्मेट बना के 2 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। चलो दैट्स ग्रेट, चलेगा, फेयर ही चलता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पहले कैपिटल ही आए, इट्स नॉट नेसेसरी। वर्किंग नोट बनेगा केवल दो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और असर्टेनमेंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, और गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, जर्नल एंट्री क्या होगी, वही होगा, दैट्स इट। फोर्थ एडजस्टमेंट आते हैं वापिस, वो एक बार करने के बाद समझ में आएगा। चलो आते हैं, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। ए एंड बी आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोस, कैश 1000, लिख देंगे दोस्तों बैलेंस शीट में कैश, बैलेंस शीट में कैश, लेकिन फिगर हम लोग आखिरी में लिखते हैं, आपको पता है ना, कैश का फिगर हम लोग आखिरी में लिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स 25,000, क्या एडजस्टमेंट है, व्हाट इज द एडजस्टमेंट, 500 रुपए का प्रोविजन बनाना है। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, पहली जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 500, 500 बीइंग प्रोविजन ऑन डेटर्स, बीइंग प्रोविजन ऑन डेटर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया नहीं है, और बैलेंस शीट में हम लोग इसका इफेक्ट दे देंगे, जो प्रोविजन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा, डेटर्स इनर कॉलम 25,000, लेस आरडीडी 500, आउटर कॉलम 24,500, लेस आरडीडी 500, 24,500। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद इन्वेंट्री 22,000,
इन्वेंट्री 22,000, ठीक है, क्या होगा 24,940 से वैल्यू बढ़ाना है, कितना हो जाएगा 2,940 से वैल्यू बढ़ाना है, एंट्री हो जाएगी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,940, 2,940 बिंग स्टॉक रिवैल्यूड ऑन एडमिशन, ठीक है, बिंग इन्वेंट्री रिवैल्यूड ऑन एडमिशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना नहीं रहे हम लोग, लेकिन इन्वेंट्री का वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में डाल देंगे, विच विल बी 24,940, 24,940। ठीक है, एडमिशन रिटायरमेंट और दैट तीनों भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट एंड मशीनरी 4,000, एनी एडजस्टमेंट? यस, 10% से रिड्यूस करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 400। थर्ड एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 300। सर इकट्ठा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 3,600, प्लांट एंड मशीनरी 3,600, ठीक है क्या? ठीक है क्या एवरीवन? ट्रेड पेबल्स 12,000, कोई एडजस्टमेंट? नो एनी एडजस्टमेंट, वैसे की वैसे लिख देंगे ट्रेड पेबल्स 12,000, ट्रेड पेबल्स 12,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, कोई एडजस्टमेंट? नहीं, वैसे की वैसे लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। फिर उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल, ए 15,000, बी 10,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए 15,000, बी 10,000। हेलो डीजे भाई, कैसे हो डीजे भैया? मिस यू, गुड नून, गुड आफ्टरनून तीशा, कैसी हो तुम? कैसी हो बेटा? सो गाइस, यस, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी हमने लिख लिया, अब आगे बढ़ेंगे। On 1st April 2020, they admitted C into the partnership on the following terms: C is to purchase one third of the goodwill and provide 10,000 as capital. ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले 10,000 का जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है उसकी एंट्री कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सीज कैपिटल 10,000। जल्दी आएंगे मुंबई, टीशा जल्दी आएंगे मुंबई। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे दोस्तों बाय कैश, बाय कैश। कहाँ गया भाई? बाय कैश 10,000। यस, इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप टू, एफएम। यस, पुणे में मैराथन हो रहा है गाइस, पुणे में मैराथन हो रहा है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग तीशा। 6 नवंबर के दिन मैं, अक्की सर और एजे सर पुणे आ रहे हैं आप लोगों से मिलने, मैराथन भी होगा दोस्तों। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स,
जो पुणे में और पुणे के आसपास है, 6 नवंबर के दिन हमारी मुलाकात होगी। कौन कौन आ रहा है मुझसे मिलने, जरा बताना गाइस। यस बाय ईशा। तो दोस्तों 10,000 का तो आ गया, अब गुडविल का क्या होगा? गुडविल सी इज टू परचेज गुडविल। गुडविल किससे परचेज करेगा? सी सी परचेज करेगा गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से। अब 1/3 शेयर के लिए वो 2,000 रुपया उससे मंगा रहे हैं, मतलब पूरे फर्म का गुडविल कितना हो गया और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्या होगा वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट, फर्म का गुडविल। 1/3 शेयर के लिए 2,000 है तो ओवरऑल फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा? 6,000। आ जाओ वर्किंग नोट पर, वर्किंग नोट टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल 2,000। 1/3 का शेयर है तो पूरे फर्म का शेयर हो गया गुडविल का 6,000 रुपया। ठीक है, और अब निकालेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो दोस्तों सबसे पहले ए ओल्ड रेशियो क्या था? 3/4, और न्यू रेशियो क्या है? 1/3, और बी का 1/4 - 1/3। क्या आ रहा आंसर जरा चेक करना। थ्री इंटू थ्री 9 - 4 5/12, और ये हो गया 12। 3 - 4 -1/12। हो। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, ए इज सैक्रिफाइसिंग 5/12 बट बी इज गेनिंग 1/12। बी इज गेनिंग 1/12। सो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ए का 5/12, बी का गेनिंग आ गया 1/12। ए इज सेक्रीफाइसिंग 5/12 एंड बी इज गेनिंग 1/12। जितने भी गेनिंग पार्टनर होते हैं सबसे गुडविल मंगानी है। तो यहां पे एक चीज हुई है, दो गेनिंग पार्टनर है मेरे पास, एक सी जो कैश में गुडविल लेकर आ रहा है और एक बी जो गुडविल लेकर नहीं आ रहा है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? सो गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय बी 500 रुपया, सो एंट्री विल बी, एंड गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय सी 2,000। ठीक, बी से गुडविल आएगी 500 रुपया, जो उसने नहीं लाया जो उसके अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, और सी ने 2,000 रुपये का गुडविल लाया है। ठीक, जर्नल एंट्री चेक करना, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। कैश अकाउंट डेबिट 2,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, टू एज कैपिटल अकाउंट 2,500। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए। बीइंग गुडविल डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स एंड क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, प्लीज चेक। लेजर पोस्टिंग ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बीज कैपिटल 500 बाय कैश 2,000 एंड बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एज कैपिटल 500। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई होप समझ में आया सभी को, आई होप समझ में आया सभी को। ठीक है, सो एडजस्टमेंट नंबर 1 डन, 2 डन, 3 डन, फोर्थ तो बाद में आएगा। इंटायर क्वेश्चन इज क्लोज्ड,
डन। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालेंगे। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो बनाया नहीं, कैसे निकाले ओरली? जहां पर भी फायदा हो रहा है प्लस करेंगे, जहां पर भी नुकसान हो रहा है माइनस करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री में क्या हो रहा है? नुकसान हुआ है -500। फिर दूसरे इसमें फायदा हुआ है 2940 का, +2940, फायदा प्लस नुकसान माइनस। फिर तीसरे इसमें लॉस हुआ है 400 रुपए का, -400। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर कितना गेन हुआ? 2040 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ऑन रिवैल्यूएशन। कैसे बटेगा ये? ये बटेगा 3:1 में, 3:1 जर्नल एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2040, 2A's कैपिटल डिवाइडेड बाय 4 × 3, 1530 रुपया, एंड 2B's कैपिटल 510, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए के कॉलम में 1530, बी के कॉलम में 510। समझ में आया क्या सभी को? अब वो क्या कह रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लास्ट वाला पॉइंट कि बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड इन प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। सी का कैपिटल कितना है? 10,000। सी का अकाउंट क्लोज करेंगे सबसे पहले। सी के क्रेडिट साइड में 10,000, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं। तो दोस्तों टू बैलेंस कैरी डाउन, सी का कैपिटल होगा 10,000। अब लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जो सी का कैपिटल होगा वही ए और बी का कैपिटल होना चाहिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब सी को आपने 1/3 शेयर दिया है 10,000 के लिए, तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 है। तो सी का अगर 1/3 के लिए 10,000 है, तो ए और बी का भी 10,000 और 10,000 होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। अब इसके बाद जो भी बचेगा या जो भी मंगाना है वो मंगा लेंगे या दे देंगे। अगर पार्टनर का कैपिटल एक्सेस हो रहा है हमारे पास, उसको दे दिया जाएगा। शॉर्टफॉल हो रहा है उससे मंगा लिया जाएगा। बट एक चीज तय है, नाउ द कैपिटल विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल। सो गाइस लिख देंगे ए और बी के डेबिट साइड में भी टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000, और इसको बैलेंस शीट में भी लिख देंगे गाइस, बैलेंस शीट में भी लिख देंगे कैपिटल ए बी सी 10,000, 10,000, 10,000। आई होप सभी को ये पॉइंट समझ में आया। अब अकाउंट क्लोज करेंगे बी का। बी का कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ा है 10,510 रुपया, 10,510। डेबिट में भी लिख दूंगा 10,510, 10 रुपए का क्रेडिट बैलेंस आएगा, पे कर दो। टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 10 रुपया, टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 10 रुपया, और ए का 15,000 +500 +2,000 +1530, 19,030 रुपीज। इधर भी 19,030, 9030, 9030 ए को भी दे देंगे। सो गाइस फाइनल जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइनल जर्नल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9030, टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 9040 बिंग अमाउंट पेड, बिंग अमाउंट पेड। नाउ इंटायर थिंग डन। अब कैश का बैलेंस कितना आ जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले कैश का कैसे होगा चेक। कैश का ओपनिंग बैलेंस था 1,000, कैलसी पे लेना 1,000। फिर 10,000 का कैपिटल, 10,000 का कैपिटल लाया सी ने,
ये 10,000 और ऐड हो गए। फिर 2,000 का गुडविल लाया, ये 2,000 और ऐड हो गए। और फिर पार्टनर्स को आखिरी में हमने पे भी किया, कितना पे किया, 9,040। तो 1,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 माइनस 9,040, फाइनल बैलेंस 3,960। 3,960 शुड बी द फाइनल बैलेंस। चेक करो, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। 12,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 57,000। और असेट साइड 3,960 प्लस 24,500 प्लस 24,940 प्लस 3,600 57,000। ठीक है, क्या समझ में आया सभी को? ठीक समझ में आया क्या सभी को? ठीक वर्किंग नोट, ये रहा वर्किंग नोट, चेक वर्किंग नोट। तो दिस एंड्स अवर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा खत्म हो गया दोस्तों। नाउ फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक बार एडमिशन हो गया तो रिटायरमेंट और डेथ लगभग सेम है, ज्यादा ज्यादा उसमें डिफिकल्ट कुछ और लगेगा नहीं। ठीक है, ए ने जो गुडविल का अमाउंट लाया वो बैंक में ऐड नहीं करेंगे, हुआ ना? चेक करो ना, चेक करो, प्लीज चेक। या किया तो है, 1,000, 10,000, 2,000, 9,040। ठीक है क्या? चलो दैट्स इट गाइस, सो सी यू ऑन मंडे फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मिलते हैं 3:30, मिशन सक्सेस, डेप्रिसिएशन लेक्चर नंबर 4। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवन।